खबर रीवा से है, जहां जबा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत चौखंडी में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। बीच बाजार में विगत कई वर्षों से इस तरह से कीचड़ का आलम है कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। वहीं नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से असफल है। भूमिगत पाइप पूरी तरह से लीक है, जिससे पूरा पानी सड़क पर बह रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग पीएचई विभाग को कई बार सूचना दिए हैं, पर पीएचई विभाग अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया है। रंजीत केसरवानी, समस्या हमारे बाजार में सबसे ज़्यादा है पीसीसी निर्माण करना होना। पिछले 17 बरस से पीसीसी का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण बाजार में भारी दुर्दशा बनी हुई है रोड की। और पीएचई विभाग द्वारा पिछले 6-7 महीने पहले पाइपलाइन डाली गई थी, उसका काम आप देख सकते हैं सामने पड़ा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी लोग गिर चुके हैं और स्कूली छात्रों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। और मौखिक भी और लिखित भी पंचायत कार्यालय चौखंडी को दिया गया है, और ना कि कुछ सुन रहे हैं, ना कि सरपंच सुन रहे हैं, ना कि सचिव सुन रहे हैं, ना आला अधिकारी सुन रहे हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक चलिए, विनेश्वरी प्रसाद गुप्ता से घर से लेकर सुरेंद्र कहार के घर तक की दुर्दशा देख लिया जाए। शासन प्रशासन से मांग ये कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इसका निराकरण कराएं और पाइपलाइन सही करवाएं और पीसीसी का निर्माण इसमें करवाएं। विधायक जी से ग्राउंड निवेदन किया गया था 15 साल हो गए, सुनिए वो आए दिन यही बोलते कि हमने पैसा दे लेकिन आज तक कुआं को उसका कुछ नहीं हुआ। आए दिन उसमें मवेशी गिरते हैं, कुत्ते गिरते हैं, गाय गिरती हैं, पानी यूज कोई करता नहीं, कोई विकास यहाँ नहीं है। चौखंडी पंचायत में प्रॉपर अपने बाजार में कोई विकास नहीं।